नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। नल कनेक्शन देने के मामले में यूपी ने बनाया कीर्तिमान, जाने बाकी राज्यों की स्थिति। प्रदेश सरकार ने दी बड़ी सौगात, अब सोलर एनर्जी से जगमगाएंगे यूपी के स्कूल। यूपी में अब वक्फ संपत्तियां खोजेगा IIT कानपुर, GIS और GPS की मदद से तैयार होगा डिजिटल मैप। पौधारोपण में यूपी ने रचा इतिहास, एक दिन में लगाए गए 30 करोड़ से भी ज्यादा पौधे। उत्तर प्रदेश में शुरू होगा नंदिनी कृषक बीमा योजना, देसी नस्ल की गायों को मिलेगा बढ़ावा। यूपी के 74 जिलों में खुलेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट, 27 जिलों में बनेंगे नर्सिंग कॉलेजेस। उत्तर प्रदेश में लगेंगे 12,000 उद्योग, 1,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश ने हर घर जल योजना से ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के मामले में छत्तीसगढ़ और मेघालय को भी पीछे छोड़ दिया है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने में लगातार नए कीर्तिमान हासिल कर रहे यूपी ने पिछले 7 महीनों में 8 राज्यों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 54% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा भी प्रदान की है। लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहे यूपी में अब तक 1,42,76,748 ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सौगात दी गई है। बता दें कि करीब 8 करोड़ ग्रामीणों को घर घर नल से शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। नल कनेक्शन देने के मामले में देश में नंबर 1 बनने की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश जनवरी माह से अब तक झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र और असम को भी काफी पीछे छोड़ चुका है। रुक करते हैं दूसरी खबर की। अब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को बिजली ना होने पर गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। यूपी के स्कूल अब सोलर ऊर्जा से रोशन होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बढ़ती सौर ऊर्जा की जरूरत को देखते हुए यूपी के स्कूलों में ये योजना लाई जा रही है। सीएम योगी का कहना है कि स्कूलों में सौर ऊर्जा के उपयोग में लाए जाने से बच्चों में जागरूकता आएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी के प्रयोग में लाए जाने के सपने को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें, योजना के पहले चरण में रायबरेली के 200 के करीब माध्यमिक स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाए जा रहे हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल, गेल इंडिया और यूपी नेडा के बीच MOU साइन किया गया है। इसे रायबरेली के सभी माध्यमिक स्कूलों को सौर ऊर्जा की रोशनी मिल सकेगी। रायबरेली के सभी माध्यमिक स्कूल में सोलर प्लांट्स का इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर, हरदोई और प्रतापगढ़ के सभी माध्यमिक स्कूलों को सौर ऊर्जा से जगमगाया जाएगा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। यूपी में वक्फ संपत्तियों को खोजने के लिए अब IIT कानपुर की मदद ली जाएगी। वैज्ञानिक पूरे राज्य में GIS और GPS की मदद से सर्वे करके डिजिटल मैप तैयार करेंगे। इससे इन संपत्तियों पर भविष्य की कार्य योजना तैयार हो सकेगी और इसके अलावा इनको कब्जे से भी मुक्त रखा जा सकेगा। ये सर्वे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ कमेटी के निर्देश पर चल रहा है। इसे बनाने की जिम्मेदारी IIT कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर जावेद मलिक और उनकी टीम को दी गई है। पहले चरण में कानपुर, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में मौजूद संपत्तियों का विवरण जुटाकर मैपिंग की जाएगी। सर्वे के तहत टीम डिजिटल मैप में मस्जिद, दुकान, घर और कृषि भूमि को चिन्हित करेगी और डिजिटल मैप तैयार कर बोर्ड को सौंपेगी। IIT वैज्ञानिकों के मुताबिक GIS तकनीक में रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफी और डिजिटल मैचिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसमें गणित और सांख्यिकी के अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स, प्रोग्रामिंग और डेटा प्रोसेसिंग का भी प्रयोग किया जाता है। वहीं GPS में सैटेलाइट के माध्यम से लोकेशन का पता लगाया जाता है। रुक करते हैं चौथी खबर की ओर। यूपी ने बीते दिनों पौधारोपण में एक नया इतिहास रच दिया है। प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वन विभाग ने दावा किया है कि प्रदेश में 30 करोड़ 21 लाख 51 हजार पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विदुर कुटी आश्रम में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 की शुरुआत की और गंगा नदी के किनारे कल्प वृक्ष का पौधा लगाया। अभियान के तहत स्कूलों, नहर पटरियों, वन विभाग की भूमि से लेकर न्यायालय परिसर तक हर जगह वृक्षारोपण किया गया। सभी सरकारी विभागों के साथ गैर सरकारी संगठन, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, केंद्र और प्रदेश सरकार के उपक्रम, शिक्षण संस्थान आदि इसमें शामिल थे। आपको बता दें कि प्रदेश में इस साल 35 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 30 करोड़ पौधे लग चुके हैं और बाकी 5 करोड़ पौधे 15 अगस्त को लगने वाले हैं। बता दें, प्रदेश सरकार ने हर पौधे और पौधारोपण वाले स्थलों की जियो टैगिंग करने के आदेश दिए हैं, जिससे कि पौधों की स्थिति की जानकारी मिलती रहे। बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में नंदिनी कृषक समृद्ध बीमा योजना शुरू की जाएगी। राज्य पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि नंदबाबा दुग्ध मिशन के तहत प्रदेश में श्वेत क्रांति लाई जाएगी। इसके लिए नंदिनी कृषक समृद्ध बीमा योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस योजना के तहत पशुपालकों को 25 उन्नतशील नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी। मालूम हो, बीते दिनों प्रदेश में 1,000 करोड़ की लागत से नंदबाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की जा चुकी है। इस योजना के तहत
किसान पशुपालक को दूध बेचने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को दूध के लिए पर्याप्त मूल्य भी दिया जाएगा, यानी दुग्ध सहकारी समितियां गांव में ही दूध का उचित रेट उपलब्ध करवा पाएंगी। बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का संकल्प पूरा करने की दिशा में यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी यूपी के 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो गए हैं और मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही यूपी में एक दिन में 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होने वाला है। इसके साथ ही यूपी के 74 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित की जाएंगी। मालूम हो तमिलनाडु में एक दिन में 11 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर एक कीर्तिमान स्थापित हुआ था, लेकिन अब यूपी एक साथ 13 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से जल्द ही प्रदेश में 27 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा इनकी आधारशिला रखी जाएगी। इससे प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा। रुक करते हैं सातवीं और आखिरी खबर की ओर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023 में यूपी में एमएसएमई उद्यमों की स्थापना के माध्यम से 101,456 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय लक्ष्य में कुछ संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने संबंधित एजेंसियों को इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य में 2023-24 तक 12,682 इकाइयों की स्थापना करने का लक्ष्य तय किया गया है। इन इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार की तरफ से 367.79 करोड़ रुपए मार्जिन मनी दी जाएगी। इन इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों से लोन दिलाने का काम एजेंसियां करेंगी। योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र द्वारा 5,772, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 4,491 इकाइयां तथा KVIC यूपी खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से 2,419 इकाइयों की स्थापना की जानी है। KVIC यूपी और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमों को स्थापित कराने का काम किया जाएगा, जबकि जिला उद्योग केंद्र द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना कराई जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते की सुर्खियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।